नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर काम कर रहे स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी पर काली पट्टी बांधकर काम किया। उल्लेखनीय है कि संविदा कर्मचारियों की मांग इस समय दिनों दिन तूल पकड़ती जा रही है। उसी क्रम को लेकर आज ग्वालियर जिले के भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भितरवार में पदस्थ संविदा कर्मचारियों ने आज काली पट्टी बांधकर काम किया है। कर्मचारियों की मांग है कि हम इस कोरोना काल में अपनी जान पर खेलकर हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। परमानेंट करने को लेकर आज हमने काली पट्टी बांध का विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जगाने का काम किया। क्या नाम है आपका? कहाँ पे प्रदर्शन हुआ? एनआरसी में। तो क्या आज आपने जो काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया, किस संबंध में? हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम इस कोरोना महामारी में काम कर रहे हैं, है ना, और इसलिए हम काली पट्टी बांधकर सभी लोग अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं और काली पट्टी बांधकर सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सामने। तो किस संबंध में कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हो आप मांग में? परमानेंट होना चाहते हैं हम लोग। काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और हर चुनौती का सामना भी कर रहे हैं, हर जो भी फेस हर चीज़ का सामना कर रहे हैं, फिर भी सरकार का इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। आप काली पट्टी बांध के कब तक काम करोगे, कितने दिन, क्या और कुछ आगे? हाँ, हम लोग काली पट्टी बांध के अभी 24 तारीख से पहले तक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद 24 तारीख से अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है और जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया तो 24 तारीख से हम लोग अनिश्चितता।